अच्छा, अब हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फ्यूचर प्लानिंग वाला सेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर आ चुके हैं गुलाम मोहम्मद, ठीक है ना। गुलाम मोहम्मद है हमारे पास नए गवर्नर जनरल, ठीक है। और जो मोहम्मद अली बोगरा है ना, अभी वो आने वाले हैं, ठीक है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और अभी तक जो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन हमारे पास क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, बट यहाँ पे मतलब दोनों का मिक्स में, ठीक है ना, नाजिमुद्दीन बोगरा। बट एनीवेज, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जो था वो था 6 ईयर प्लान। अब 6 ईयर प्लान क्या था, देखो 1950 में जो है एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ठीक है। इस प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, इसका काम था अगेन प्लान करना, ठीक है ना, प्लान करना। अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, प्लान इन लोगों ने बनाया 6 साल का एक ऐसा प्लान जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर, पावर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह 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 सब कुछ कवर हो रहा है। जो आप ज्योग्राफी में चैप्टर्स पढ़ते हो ना, वो सब कुछ कवर हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो ये इन्वायरमेंट वगैरह वाला काम है ना, इस पे फोकस किया गया। और इस जो 6 साल तक ये प्लान चलना था, यानी कि क्या कहते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, ये है 1951 में, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1951 में, ठीक है ना, 6 ईयर प्लान आ गया। यानी कि 1951 से लेके 57 तक ये चलना था, ठीक है। अब 57 तक ये चलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा यार क्यों ना इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए। इसको एक्सटेंड करने के लिए इन लोगों ने बनाया एक और प्लान, ठीक है। यानी कि ये वाला प्लान जो है 51 टिल 57, ठीक है। और फिर 53 में इन लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग बोर्ड बनाया। पहले था प्लानिंग कमीशन, अब है प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी कि आप देखो यार क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या अच्छे काम हुए हैं, और आप एक और ऐसा ड्राफ्ट प्लान बनाओ जो इस प्लान के बाद हम फॉलो कर सकें। यानी 57 से लेकर हम और भी आगे तक फॉलो कर सकें, जो कि 5 साल का और भी ज्यादा बन गया, ठीक है ना। और ये ड्राफ्ट प्लान पब्लिश किया गया या लॉन्च किया गया 56 में, जो कि 6 साल वाले प्लान के बाद आएगा। मैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, पहले फॉलो होना था 6 ईयर का प्लान, ठीक है, उसके बाद एक और 5 साल का प्लान इन लोगों ने आगे लगा दिया, ठीक है। अब ये जो डेट्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 56, 53, 50, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद कर लेते हो तो अगेन आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट क्या हुई, ठीक है, ये तो सारी प्लानिंग व्लानिंग हो गई। हाँ भाई ऐसा होगा, आपको पता है कि प्लानिंग के बाद भी बहुत सारे मसले होते हैं, बट यहाँ पे जो है डेवलपमेंट भी देखने को मिली। यहाँ पे जो नारायणगंज, ठीक है ना, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में है, प्रोसेसिंग प्लांट बना लिया गया। जो नेचुरल गैस है वो डिस्कवर हो गई इन सुई बलोचिस्तान, और ये आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि सुई जो है यहीं से तकरीबन हमारे घरों में भी गैसेस आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है, इन दो प्लान्स की वजह से, पहले 6 ईयर फिर 5 ईयर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े ऐसे हैं कि जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है पूछने में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब ये है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक मैं आपको ना मुझे याद कराना, ठीक है ना, कोई के आपको एंड में मैं ना एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन भी पूरा बता दूं। फॉर्मेट एक आता है क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की आपको बात करनी होती है, तो अगर मुझे याद आएगा ना तो मैं डेफिनेटली आपको वो एंड में करवा दूंगा, ठीक है, ताकि जो है आपको समझ आ जाए। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है मोहम्मद अली बोगरा जो थे, ठीक है, मोहम्मद अली बोगरा बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा एक और भी था, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन रिविजन क्लास चल रही है। एक आया था सेकेंड ड्राफ्ट, याद है मैंने आपको फर्स्ट ड्राफ्ट बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो कि लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ठीक 1 साल बाद आया था वो, ये आया था 3 साल बाद। इस ड्राफ्ट में क्या था, ये प्रेजेंट किया था ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने, कुछ चेंजेस की, ठीक है ना, लेकिन ये इम्प्रेस अभी भी नहीं कर पाए, ना तो उलमा को ना किसी और को खुश कर पाए, और ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको मैं अगेन कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, नाजिमुद्दीन जो थी उनकी रेप्यूटेशन अब थोड़ी खराब हो रही थी, ठीक है ना,
और गुलाम मोहम्मद चाहते थे अब इनको थोड़ा रिप्लेस कर दिया जाए। तो गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, गुलाम मोहम्मद ने जो है अच्छा नाजिमुद्दीन ने काम और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे और भी ज्यादा जो है इसको आगे पीछे हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुलाम मोहम्मद ने जो है क्या किया, डिसमिस कर दिया ख्वाजा नाजिमुद्दीन को, हटा दिया ठीक है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, और कहा कि जो है आप जिम्मेदार हो, जो भी फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर फूड राइट्स हो रहे थे, फूड शॉर्टेजेस हो रही थी, और एक और भी चीज चल रही थी वो थी अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, ठीक है ना। तो ये जो दो चीजें थी ना, ये वाले पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है कुछ कर नहीं पाए। अगर आपको अहमदीज नहीं पता है तो आप देख लेना, ठीक है ना। अगेन वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो जाता है, बट मतलब मैं अगर हिस्ट्री की उस पे बात करूं तो जो उलमास थे उन्होंने क्या कहा, अगेन अहमदीज जो है वो नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर देने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है होली प्रॉफिट को नहीं मानते, या इस तरह जो भी मसला था, ठीक है ना। तो इस चक्कर में जो है आपके पास ये दो मसले ख्वाजा नाजिमुद्दीन सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद ने उसको निकाल दिया, ठीक है। अब इसको निकाल दिया, नया कैबिनेट बनाया, नए कैबिनेट में बोगरा को बनाया। अब बोगरा का जो प्लान था ना वो बड़ा एक कह लो इंटरेस्टिंग प्लान था, ठीक है। बोगरा चाहता था भाई जितना ज्यादा एड हो, जितना ज्यादा बाहर मुल्क से हमें पैसा मिलता है ना, एड यानी कि हमारी मदद करता है, उसके थ्रू पाकिस्तान को डेवलप किया जाए। और ये जो 5 ईयर प्लान, ये जो 6 ईयर प्लान है, इसमें बोगरा का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, और ये सब एड की मदद से भी हो रहा था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। आपके पास थोड़ा सफिशियंट सा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्राइसिस क्या हो गया 54 से लेके 55 तक। बोगरा जो है, अब देखो गुलाम मोहम्मद गया था कंट्री से बाहर, ठीक है, गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान से बाहर गया था थोड़े टाइम के लिए। 21 सितंबर 1954 को बोगरा ने क्या किया, बोगरा ने जो है लिमिट कर दी पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे GM यानी गुलाम मोहम्मद, आपके पास गवर्नर जनरल थे, और आपके पास जो क्या कहते हैं बोगरा थे ना, MAB, ठीक है ना, मोहम्मद अली बोगरा, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर आपको जो है ना बेसिक्स नहीं पता, ठीक है ना, कि एक जो क्या कहते हैं पूरा पार्लियामेंट का जो सिस्टम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है एक आपके पास गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अंडर होती है उसकी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट होती है, और एक होती है आपके पास असेंबली अलग से, ठीक है। कैबिनेट में होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स। ये मैं आपको पूरा पैटर्न समझा रहा हूं, ये अगर समझ लोगे आपको थ्रू आउट सेक्शन 3 काम आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी जो है आपके क्या कहते हैं मदद कर रहे हैं गवर्नर जनरल के, वो सारे के सारे असेंबली से आने चाहिए। मतलब क्या, असेंबली की पावर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, गवर्नर जनरल की पावर को कम कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, ये एक चीज हो गई। फिर क्या किया, असेंबली अगर अप्रूव नहीं करेगी कैबिनेट को तो कैबिनेट नहीं बन सकता, गवर्नर जनरल को अपने मिनिस्टर से एडवाइस लेना लाजमी है, और परोडा एक्ट खत्म कर दिया। आपको पता होना चाहिए परोडा गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर की पावर थी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर गुलाम जो बोगरा साहब थे उन्होंने असेंबली को इतना ज्यादा फेवर किया, और जो गुलाम मोहम्मद थे उनके जो है ना सारी की सारी पावर्स छीन ली, लूट ली, ठीक है ना, एक तरह से। मतलब गुलाम मोहम्मद को जारी बात है बहुत ज्यादा शौक लग गया, ठीक है। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो सवाल जल्दी से, ठीक है, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सही है, अब मुझे बता दो सबको समझ आ गया यहां तक जितना भी मैंने समझाया। अच्छा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, असेंबली हैड टू अप्रूव। मतलब के मान लो जैसे देखो गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को हटा दिया, ठीक है, जो उसका पूरा कैबिनेट था ना उसको खत्म कर दिया। अब जाहिर ही बात है गुलाम मोहम्मद एक नया कैबिनेट बनाएगा जिसमें बोगरा था, बाकी लोग थे, ठीक है। अब वो जो कैबिनेट होगा ना, जब तक असेंबली हाँ नहीं बोलेगी तब तक वो कैबिनेट नहीं बन सकता, ठीक है, वो कैबिनेट बन ही नहीं सकता जब तक असेंबली हाँ नहीं करती। असेंबली जैसे ही हाँ करेगी तो फिर कैबिनेट, और अगर वो क्या कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होंगे ना वो असेंबली से नहीं होंगे तो भी वो कैबिनेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक पावर थी असेंबली के हाथ में, सही है।
मतलब बना तो लेगा गुलाम मोहम्मद, लेकिन जो है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा कैबिनेट, और वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे गुलाम मोहम्मद वाले पार्ट की। ठीक है, अच्छा, गुलाम मोहम्मद जो है, दोबारा देखो, इन्होंने सेम वाली चाल बोगरा पे चली। ठीक है ना, बोगरा गया भाई मुल्क के बाहर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गया, चलो भाई नेशनल असेंबली को हम लोग कर लेते हैं डिसॉल्व। ठीक है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, नया कैबिनेट बनेगा। ठीक है, और जो है नया कैबिनेट बोगरा को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि भाई दुश्मन को जो है, अपने दुश्मन को दोबारा प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बन के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है ना, मतलब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर भी बना के रखता हूँ, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह जो है ना, एक एक छोटा मोटा क्लैश बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नर जनरल उस दौर में चल रहा था। और यहाँ पे 5 नए मेंबर्स जो कि असेंबली से बिलोंग नहीं करते थे, उनको भी डाल दिया, जैसे कि अयूब खान। अयूब खान पॉलिटिक्स में ऑफिशियली यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं बात बता देता हूँ आपको, कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर्स इशू किए। देखो, मौलवी तमीजुद्दीन, ठीक है, वो थे असेंबली के बंदे, मैंने बताया असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व मतलब डिसॉल्व, डुबो दिया, ठीक है, खत्म कर दिया असेंबली को। और यहां पर इन्होंने कंप्लेन की सिंध हाई कोर्ट में, मौलवी तमीजुद्दीन ने कंप्लेन की और कहा यार, और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यार ये डिसीजन बिल्कुल इलीगल है, नॉन असेंबली वाले मेंबर्स जो हैं उसको कैबिनेट में नहीं डालना चाहिए, जैसा कि बोगरा ने लॉ बनाया था। ठीक है, और ये जो है कोर्ट ने एग्री कर लिया तमीजुद्दीन के साथ ऑन द फेब्रुअरी ऑफ 1955। मतलब इसका देखो, इसका मतलब ये हुआ सिंध हाई कोर्ट जो है ना, वो किसके फेवर में, असेंबली के फेवर में। ठीक है, सिंध ने बोल दिया भाई असेंबली बिल्कुल ठीक है और जो गवर्नर जनरल है वो बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं फेडरल कोर्ट की। अगर आपको पता हो ना, तो फेडरल कोर्ट होता है पूरे मुल्क का कोर्ट, यानी फेडरल कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। फेडरल कोर्ट ने 10 मई को कहा 1955, गुलाम मोहम्मद के पास अथॉरिटी है डिसमिस करने की असेंबली, अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो। मतलब के यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को। ठीक है ना, तो ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था यहाँ पर जाके खत्म हुआ, और इसके बाद जो है हमारे पास नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। लेकिन गुलाम मोहम्मद की तबीयत खराब हो गई, तो फिर इस्कंदर मिर्जा जो है ना, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब जो नए गवर्नर जनरल हैं, ही इज इस्कंदर मिर्जा। यहां तक मुझे बता दो भाई, किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी की कोई क्वेरी, अगर है कोई कंफ्यूजन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पूछ लो। ठीक है, अगर समझ आ गया तो भी मुझे बता दो भाई, समझ आ गया है, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, ताकि फिर हम लोग कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि ये जो है अब थोड़ा सा एक टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, इस्कंदर मिर्जा वाला, तो अगर सब कुछ समझ आ चुका है तो मुझे बता दो। ठीक है, क्लियर है, बाकी सब भी बता दो। अच्छा, मैं जो है एक आपके लिए चीज कर लूँ, मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगाना भूल गया हूँ। 1958 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, 1958 का हमारे पास, अच्छा एक और चैट आया है, ठीक है, क्लियर है, सही है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ना, इनको अपने पास नोट कर लो। ठीक है, ये है ना, ये अगर समझ ली आपने तो आपके लिए आधे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है ना, याद करने के। आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक्स, ठीक है ना, जो कि मुझे खुद समझने में काफी टाइम लग गया था। ठीक है, देखो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तीन है। अब एक होता है हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, एक होता है प्रेसिडेंशियल। इसको कहीं लिख लो, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल। और जो थर्ड होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है आपके पास सेमी प्रेसिडेंशियल भी कह लो, ठीक है ना, या आपके पास जो है सेमी डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, मतलब एक इनका, इनके बीच में होता है कुछ। अब देखो प्रेसिडेंशियल, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल। अब देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, लोग, ठीक है, लोगों के वोट्स पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा पार्टी को वोट मिलेंगे उतने ज्यादा। प्रेसिडेंट क्या होता है भाई,
इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट, नॉमिनेट नॉमिनेशन में जो है, और प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। और हमारे पास सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होता है, इन दोनों के बीच में, मिडिल में आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट भी होता है, पावर्स थोड़ी बहुत होती हैं प्रेसिडेंट के पास, और काफी हद तक है ना डेमोक्रेसी भी होती है, ठीक है ना। अब जो हम अभी बात करने वाले हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन बातें लिख लो, ठीक है ना, जल्दी से कहीं पे। अब हम जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बात करने वाले हैं, दिस इज अ सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है ना। यानी कि ये जो है अभी पूरी तरह जो है ना प्रेसिडेंट को फेवर नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर बात है अब तक जितना भी था वो था डेमोक्रेसी, अचानक प्रेसिडेंशियल पर आ जाओगे तो थोड़ा यू नो मसला हो जाएगा। तो इन लोग इन्होंने अभी सेमी प्रेसिडेंशियल किसने लगाया, ये इन लोगों ने बेसिकली काम किया इस्कंदर मिर्जा एंड चौधरी मोहम्मद अली। अब ये चौधरी मोहम्मद अली कौन है, ये हैं पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक मुझे बात बहुत यकीन से मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सेकंड में ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास एक टाइमलाइन बनी हुई है, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेमी प्रेसिडेंशियल, रिपीट करूं, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होता है कि आपके पास एक तो प्रेसिडेंशियल है, एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी वोट्स, प्रेसिडेंशियल यानी कि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास हो, ठीक है ना, जो नॉमिनेट होकर आता है, इलेक्ट होकर नहीं, मतलब लोगों की ख्वाहिश काफी हद तक नहीं चल रही। ये था सेमी, मतलब दोनों के बीच का, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जो है दोनों चीजें मिल मिलाकर थी, ठीक है ना, डेमोक्रेसी भी थी, प्रेसिडेंशियल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, साइड पे। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च को। अगर आपको पता हो 23 मार्च जो है, दैट इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, तो काफी अच्छा दिन था कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज करने का। यहाँ पे था कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज मतलब दो पार्टियों के बीच में जो है ना एक क्या कहते हैं, एक आप कह लो कि एक मुआयदा रीच करना, एक कॉम्प्रोमाइज रीच करना कि यार हम लोग जो है थोड़ा आप सेक्रीफाइस करो, थोड़ा हम सेक्रीफाइस करते हैं और मिल मिला के लॉज आ जाएंगे। यहाँ पे जो थे मुस्लिम लीग, यूनाइटेड फ्रंट, ये आई गेस जो है एक हमारी वेस्ट पाकिस्तान से थी, एक ईस्ट पाकिस्तान से थी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, बेसिकली इक्वल सीट्स, ठीक है ना, इक्वल सीट्स का जो है ना मसला था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड फ्रंट थी जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से थी, उन्होंने कहा चलो छोड़ो हमें इक्वल सीट्स मत दो, ठीक है, इक्वल सीट्स नहीं मिली बंगालीज को। लेकिन ये फिर भी इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, बंगाली को लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, बंगाली को एक्सेप्ट कर लिया गया लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर हमें कहलाया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, टाइटल हमारा जो है ना कंट्री का, एक ऑफिशियल नेम होता है कंट्री का, वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है ना, ये हमारा एक टाइटल दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेसिकली मार्शल, अच्छा हाँ, मैं आपको मार्शल लॉ वाली एक और भी कहानी है, सॉरी, मार्शल लॉ तो इसके बाद आएगा, ठीक है ना, 2 साल बाद, या आई बिलीव, एक सेकेंड, हाँ सही है, ये मैंने एक डेट में मसला कर दिया, सही है, जब भी थोड़ा मसला हो रहा है, सही है, सही 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 सही, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 2 साल बाद खत्म कर दिया गया था 58 में। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गया, ठीक है, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, मैंने आपको बोला कि मैं आपको वो दिखाता हूँ टाइमलाइन, तो वो मैं आपको शेयर अभी कर देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, मुझे रिमाइंड करा देना ग्रुप पे, मैं वहां पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो है, ये है भाई आपकी टाइमलाइन, ठीक है ना, ये कलर कोडेड है, यानी कि आपके पास एक तरफ आपके पास, यहाँ पे मैं नीचे देखो तो एक तरफ गवर्नर जनरल ब्लू में है, रेड में प्रेसिडेंट, और ग्रीन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये जो तीन लोग हैं इनके ऊपर ये टाइमलाइन बेस्ड है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो थे कायदे आजम थे गवर्नर जनरल, फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, फिर गुलाम मोहम्मद,
इस्कंदर मिर्जा, ठीक है ना, ये चार ही थे। और यहाँ पे तब तक जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, लियाकत अली, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, गोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, और फिर अभी ये जो चार और आने वाले हैं, ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ेंगे, इसी तरह यहाँ पे इस्कंदर मिर्जा प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट थे और ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ओ आई मीन गवर्नर जनरल भी बने थे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे प्रेसिडेंशियलशिप शुरू की थी। ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आगे वाले जो जो हैं, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ये अगर किसी को चाहिए टाइमलाइन मुझे बता देना, ठीक है, मैंने खुद बनाई है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सही है, यहाँ तक सबको समझ तो आ गया ना। तो ये बेसिकली था सेमी प्रेसिडेंशियल। हाँ, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये रिज्यूम कर लो, हाँ ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था, अब से पहले जो था ना गवर्नर जनरल होता था, अब होगा प्रेसिडेंट, बस ये फर्क एक बहुत मेजर आ गया जो लोग काफी हद तक कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कायदे आजम, लियाकत अली, ये जो ये सब थे ना, ओ आई मीन कायदे आजम, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ये सब थे गवर्नर जनरल्स, अब आ रहे हैं प्रेसिडेंट, जितने भी आएंगे अब प्रेसिडेंट आएंगे, गवर्नर जनरल खत्म। ठीक है, अब फाइनली मुझे बताओ यहां तक समझ आ गया? तो हम कंटिन्यू करें, ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, सही है, अच्छा। अब हम बात करेंगे वन यूनिट पॉलिसी। देखो वन यूनिट पॉलिसी, ठीक है ना, 1955। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो प्रपोज जो इसको किया था ना वो क्या था, मोहम्मद अली बोगरा ने, ठीक है, बोगरा ने प्रपोज किया नवंबर 1954 में, लेकिन इसको लाया कौन, इसको लाया इस्कंदर मिर्जा, ठीक है ना, इस्कंदर मिर्जा ये इसको लेकर आया। यार ये एक तो मेरा पता नहीं क्यों लिख नहीं पा रहा हूं मैं सही से, बट एनी वेज ये जो है इसको इस्कंदर मिर्जा लेकर आए। अब क्यों लेकर आए, सबसे पहले जो है आपके पास इनको लगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ जाएगी कंट्री की। अच्छा वन यूनिट था क्या, वन यूनिट जो था ना, वन यूनिट था कि आपके पास देखो पाकिस्तान है, एक है आपके पास वेस्ट पाकिस्तान जिसमें हम आज रहते हैं, एक है ईस्ट जो कि बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है ना, ये जो वेस्ट है ना इसमें चार प्रोवेंसेस, ठीक है ना, PRO, हाँ ठीक है, ये हो गया प्रोवेंसेस, और 10 जो है वो है प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पर जो है एक प्रोवेंस है, मैंने आपको ये बताया था ज्योग्राफिकल वाले में, याद है बिल्कुल शुरू में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, और जो है यहाँ पर है वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट, सही है। तो ये जो है ना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई ये जो दो है ना इनको बना दो अलग अलग विंग्स, एक हो वेस्ट पाकिस्तान, एक हो ईस्ट पाकिस्तान। अब इससे फायदे क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, ये इस्कंदर मिर्जा ने बताया भाई एफिशिएंसी बढ़ जाएगी यार, एक आप सोचो चार सूबों को एडमिनिस्टर करना वर्सेस एक यूनिट को एडमिनिस्टर करना बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और डेवलपमेंट के भी चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक जो होता है ना यूनाइटेड कंट्री, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना, ना तो कोई पंजाबी होंगे, ना तो कोई बलोची होंगे, ना तो कोई सिंधी होंगे, ना तो कोई पठान होंगे, ठीक है ना, कोई भी नहीं होगा, एक पूरा मुल्क होगा पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी है, हम वेस्ट पाकिस्तान से हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान से, बस ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक जो बहुत ही छुपा हुआ गहरा रीजन होता है ना हर चीज का, कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, ठीक है ना, हर चीज के पीछे एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से वो चीज होती है, और ये इसका जो मेन रीजन था वो था मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी हमेशा याद रखो कि आपके पास जो है जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होती है उसकी ज्यादा होती है गवर्नमेंट, मेजोरिटी इक्वल्स टू गवर्नमेंट, ठीक है, जितनी ज्यादा मेजोरिटी उतनी ज्यादा गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, और मैंने आपको बताया सेमी प्रेसिडेंशियल है मतलब डेमोक्रेसी काफी हद तक फॉलो हो रही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखो वेस्ट पाकिस्तान में जो है 44% पॉपुलेशन थी, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ईस्ट पाकिस्तान में थी 56, अगर हम इस तरह देखें तो यार ये तो ईस्ट पाकिस्तान इलेक्शंस में जीतने का चांस है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर लोग यूनाइट हो जाएं
तो ये तो हमें हरा भी सकते हैं इलेक्शन में, है ना। लेकिन अगर जो है हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान जो है और ईस्ट पाकिस्तान, इसको हटा के हम कर दें दोनों को 50-50, तो कैसा रहेगा। हाँ तो ये आप समझ रहे हो, ये होती है होशियारी वेस्ट वालों की, जो कि आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि ईस्ट वालों को कितना गुस्सा आता था इस बात पे, कितना उनको बुरा लगता था, कितना ऑफेंसिव लगता था, और क्यों वो पार्टीशन करके चले गए। ठीक है ना, तो गलती थोड़ी बहुत वेस्ट वालों की भी है। इन लोगों ने जो है यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको सेम करने के लिए ये वन यूनिट लेकर आ गए। ये एक तीसरा रीजन है जो कि थोड़ा सा एक आप कह सकते हो एक हिडन रीजन होता है, ठीक है ना, हर चीज के पीछे। तो ये वाला हिडन रीजन इस चीज के पीछे था। अब मुझे बताओ ये समझ आ गया बात। हाँ ये अपोजिशन भी बता देता हूँ। मेजोरिटी जो है हमारे पास ईस्ट पाकिस्तानी को नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा नॉट एक्सेप्टेबल, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी मेजोरिटी आप तो छीन लो। और पंजाबी सिंधी बंगाली, ठीक है ना, ये वाला आइडिया हटा दिया। और इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में आपका जो ट्रेडिशन है कल्चर है उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यार आप तो पंजाबी हो ही नहीं, आप तो पाकिस्तानी हो, तो इस तरह मतलब एक होता है ना आपका एक जो डीपली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, हर कोई अपने कल्चर के साथ अटैच्ड होता था उस टाइम पे, ठीक है। और इस चक्कर में इन सबको जो है ना ये बात एक्सेप्टेबल नहीं लगी कि यार हमारा ये जो है ना एक जो कल्चरल नेम है, हमारी जो सिग्निफिकेंस है, ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चक्कर में जो है अपोज किया गया इस वाले को, ठीक है। अब मुझे बता दो कोई कंफ्यूजन, सबको समझ आ गया है वन यूनिट स्कीम, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ रिपीट करना है, कुछ समझाना है वापस, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। समझ आ गया, अच्छा ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अपोज्ड क्यों हुआ। अरे यार अभी भी बताया, देखो समझ आ गया, अच्छा हाँ अपोज इसलिए हुआ ईस्ट पाकिस्तानी को मैंने बताया ना 56% के बजाय उनको मिल रहा था 50%, यानी के उनकी मेजोरिटी कम हो रही थी, ठीक है। मेजोरिटी कम मतलब आपकी जो है क्या कहते हैं इलेक्शन में आपकी पावर कम, ठीक है। तो इनको ये बात बुरी लगी। और पंजाबी सिंधी बलोची वगैरह जो हैं, इनकी है ना एक ट्रेडिशनल कल्चरल सिग्निफिकेंस खत्म हो गई ड्यू टू द वन यूनिट स्कीम, इसलिए इन लोगों ने अपोज किया कि नहीं यार हमारा तो हमें कल्चर प्यारा है बहुत, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सही है, समझ आ गया। अच्छा अब हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन इतना ज्यादा है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं, इंडस्ट्रीज लगाई गई, ठीक है, इस्कंदर मिर्जा के टाइम पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाई गई आपके पास, एक सेकेंड, हाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई आपके पास, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, ठीक है, प्रोबेबली यहाँ पर जो है रूरल एरियाज को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, ठीक है, आपके पास रेलवेज लगाए, ठीक है, रेलवेज लगाए, उनको मेंटेन किया, मॉडर्नाइज किया, ठीक है, आपका जो टेलीफोन सिस्टम था, ठीक है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टेलीफोन उसको बेहतर बनाया, ठीक है, उसको अच्छा बनाया, हेल्थ पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, ठीक है, ये सब था मॉडर्नाइजेशन का पार्ट। सही है, ये अपने पास 5-6 पॉइंट्स नोट कर लो। सही है, इंडस्ट्रीज, रूरल प्रोग्राम, रेलवेज, टेलीफोन, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब जो है आपके पास मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी थी बाय इस्कंदर मिर्जा, ठीक है, ये समझ आ गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की बात है, ठीक है ना। अब देखो ये आपसे ना नाम तो ना पूछेंगे, ठीक है ना, ना तो आपको इनकी डेट्स पता होनी चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि इस्कंदर मिर्जा चेंज कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर और इससे इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। अब हुआ क्या, देखो भाई हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बेसिकली क्या था जो है आपको मैंने बताया जो है फूड शॉर्टेजेस वगैरह हो गई थी,
फिर अभी यहाँ पे 1955 में फ्लडिंग भी हुई थी, ठीक है ना, फ्लडिंग की वजह से भी बहुत सारा मसले हो गए। ये जो बंदे थे ना, याद है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प की थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बनाने में हेल्प की थी। इन्होंने कर दिया रिजाइन, इन्होंने कहा भाई आई क्विट, ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पर नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर। अब इस्कंदर मिर्जा ने देखा यार, अब ईस्ट पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, इन्होंने जो अगला बंदा उठाया वो था ईस्ट पाकिस्तान, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, ठीक है, हुसैन शहीद सुहरावर्दी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सुहरावर्दी का बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉलिटिशियन थे ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, इनका जो है एक साल का रूल चला, मैंने आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 ईयर इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर बने। और इनको एक बात तो समझ आ गई कि यार ये हमें ना पपेट वाला खेल चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब बस जो है आप उंगलियों पे नचा रहे हो मुझे, ठीक है, कोई काम की जॉब आपने दी भी नहीं है, ठीक है, आपने जो है मुझे कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ फायदा हो। इन्होंने भी क्विट कर दिया, बोला भाई मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज ही नहीं संभालता हो, ठीक है। फिर आ गए आपके पास आईआई चंडीगढ़, ठीक है, इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़। इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ का बेसिकली क्या था, इसकी जो गवर्नमेंट थी इसमें थे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, एक बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे और ये लोग एग्री ही नहीं कर पाते थे। मतलब भाई मैं इनके पास रखूंगा कोई पॉइंट, ठीक है ना, मैं बोलूंगा भाई ये मसला है, अब बताओ इसका क्या करना चाहिए, तो इनकी इतने डिबेट्स, इतने लड़ाई झगड़े, इतने मसले मसाइल कि कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता था कि जो है आपका कोई लॉ पास हो, कोई क्या कहते हैं गवर्नमेंट में कुछ चेंज आए, ठीक है ना। तो इसके बाद इनको इस्कंदर मिर्जा ने हटा दिया, ठीक है, इनको बोला भाई आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, इनको भी हटा दिया। फिर अब आए भाई ये जो चौथे बंदे हैं, फिरोज खान नून, ठीक है, फिरोज खान नून आ गए। फिरोज खान नून का क्या था आपके पास, इनकी जो गवर्नमेंट थी बेसिकली और ज्यादा डिवाइडेड थी, और ज्यादा पॉलिटिशियंस और ज्यादा डिवाइडेड, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली जो है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो गई कि जो है आपके पास क्या कहते हैं यूनिटी क्रिएट करने के लिए 26 मेंबर्स का कैबिनेट बनाया गया, ठीक है ना। और इस 26 मेंबर्स के कैबिनेट के चक्कर में जो है आपको पता है कि जब कैबिनेट की साइज बड़ी हो जाती है डिसएग्रीमेंट बढ़ जाता है, डिसएग्रीमेंट बढ़ जाता है आपका गवर्नमेंट चलाने को मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना आपको। तो ये जो है ये भी फिर आखिर में हटा दिए गए। अब भाई इस्कंदर मिर्जा है ना वो थे बड़ी टफ सिचुएशन में कि यार अब मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है, जाऊं तो किधर जाऊं, क्या करूं, मतलब ऐसा कि मैं जो है बच जाऊं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई अयूब खान को बुलाया, अयूब खान को बोला यार आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है। अयूब खान ने पहले तो गुलाम मोहम्मद से डिक्लाइन कर दिया था, बोला यार मुझे नहीं बनना, पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं लेना, बट अब अयूब ने देखा यार पॉलिटिक्स इतनी बुरी नहीं है और अब मैं थोड़ा रेडी भी हूँ एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अयूब खान ने एक बार देख लिया कि जो है इस्कंदर मिर्जा वीक होते जा रहे थे, वीकनेस के चक्कर में जो है इन्होंने इनको थोड़ा सा फोर्स किया और फोर्स करके इनको कर दिया रिजाइन, ठीक है, रिजाइन किया, इनको भेज दिया अब्रॉड, बाहर जाओ, बाहर जाके जो है आप कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग संभाल लेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू हो गया मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है ना, मार्शल का जो वर्ड आता है ना मार्शल, ठीक है ना, मार्शल होता है मिलिट्री, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल। अच्छा देखो मार्शल लॉ होता है ना, एक लॉ होता है, देखो उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सब खत्म, ठीक है, आपकी पीटीआई, आपकी जो है पीपीपी, आपकी जितनी भी पार्टीज हैं डिसॉल्व, ठीक है, आपके जितने भी जो है क्या कहते हैं असेंबली वगैरह है डिसॉल्व, आपका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है खत्म करो। अब आएगी आर्मी, आर्मी का जो लीडर होगा ना उसको हम कहते हैं CMLA, CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो शख्स होगा ना ये क्या करेगा, ये मार्शल लॉ को संभालेगा, मार्शल लॉ में अमेंडमेंट्स करेगा। मार्शल देखो लॉ है, ठीक है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर सकता, ये एक लॉ अपने आप में ही एक लॉ है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये हमारे पास स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में मार्शल लॉ, और ये जो है बेसिकली
अयूब खान ने स्टार्ट किया था, और अयूब खान को अब समझ आ गया यार अब और कोई हल नहीं है, अब पाकिस्तान को जो है आर्मी संभालेगी। और उन्होंने काफी अच्छी डेवलपमेंट भी दिखाई, अगर आपको पता हो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अयूब खान ने काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाया, ठीक है ना, मार्शल लॉ का। तो ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ बुरी चीज है, ठीक है, बट यूज करना वाला जो है ना वो सही होना चाहिए, और यूज करना आना भी चाहिए, ठीक है ना, मार्शल लॉ को, फिर आपका जो है ना पूरा सही से काम हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, हमने इस्कंदर मिर्जा खत्म कर लिया है, ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अयूब खान प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि अगेन 5 मिनट्स बाद होगी। मुझे पता है बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई हैं, बट इसको हम 3 बजे एंड करेंगे, ठीक है ना, जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो फाइनल क्लास होगी, ठीक है, और फिर हम लोग जो है सबकी छुट्टी, सही है, एक ही क्लास होती है वीकली, तो फिर ज्यादा टेंशन होना नहीं चाहिए, सही है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो मुझे बता दो, सबका मुझे रिप्लाई चाहिए, ठीक है, यस यस सही है, बाकी और भी लोग जो हैं वो भी बता दो, ठीक है, तो फिर हम इसको एंड करते हैं और वापस 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद ज्वाइन करके आखिरी टॉपिक भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और यस आ गया, सही है, सबको समझ आ गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, ठीक है, आपके पास अभी भी 1 मिनट है, पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, या कोई पॉइंट रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा, कोई ऐसा टॉपिक जो मुश्किल लगता हो, ठीक है, नहीं है किसी का भी, चलो सही है, इसको फिर हम लोग कर लेते हैं एंड।